कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी से जम्मू कश्मीर में समझौता करती है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को देखने से स्पष्ट है लगा है। अब इस लाभ से वंचित करने की मंशा रखने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव में हाथ मिलाती है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी ओर आरक्षण के ही तैसी होने की बात करती है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोध वाली पार्टी है। इनका यह चेहरा जम्मू कश्मीर के समझौते से साफ साफ उजागर हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। देश भर में आरक्षण को लेकर खूब सियासत हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस पार्टी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण के नाम पर राजनीतिक माइलेज लेना चाहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी से गठबंधन कर ये साबित करती है कि वो आरक्षण के विरोधी है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो आरक्षण के विरोधी है, धारा 370 के हितैषी है, और धारा 370 होने के कारण गरीब वंचितों को जो आरक्षण है जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था। अब कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर यह साबित कर दिया है वो आरक्षण विरोधी है। क्या कुछ कहना है उपेंद्र कुशवाहा का, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। एक तरफ कांग्रेस देश भर में आरक्षण का ही तैसी होने का दावा करती है और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती है, और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी से जम्मू कश्मीर में समझौता करती है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को देखने से स्पष्ट है कि वहाँ जो धारा 370 लगी हुई थी, जिसके चलते वहाँ SC ST वर्ग के लोग, वंचित समाज के लोग आरक्षण से बिल्कुल वंचित थे। NDA की सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त करने का काम किया, जिससे वहाँ SC ST और वंचित समाज के लोगों को आरक्षण मिलने लगा है। अब इस लाभ से वंचित करने की मंशा रखने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव में हाथ मिलाती है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी ओर आरक्षण के ही तैसी होने की बात करती है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोध वाली पार्टी है। इनका यह चेहरा जम्मू कश्मीर के समझौते से साफ साफ उजागर हो गया है। अभी आपने सुना राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है, ये साबित कर दिया है कि जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे पार्टी से गठबंधन करके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आरक्षण विरोधी है, धारा 370 के हितैषी है, धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में जो गरीब हैं, वंचित हैं, दलित समाज के आरक्षण लागू नहीं होता था। अब जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर में गरीबों और वंचितों के आरक्षण को लागू करवाया है, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 लागू करने की बात करती है, और उसी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। और भी क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे निष्पोनेशन के साथ।